देखो क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे जेड दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड प्लस 5 आयोटा, और पूछा है जेड क्यूब प्लस जेड प्लस 198 की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जेड अगर यह है तो जेड क्यूब निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पहले ए प्लस बी द होल क्यूब की आइडेंटिटी लिख देता हूँ। ये क्या होती है हमारे पास, ये होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² ठीक है। तो सबसे पहले जेड हमें गिवन है 3 प्लस 5 आयोटा, तो जेड क्यूब निकालते हैं। सबसे पहले जेड क्यूब यानी 3 प्लस 5 आयोटा का होल क्यूब, तो ये कितना होगा, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स a² b प्लस 3 टाइम्स a² b². अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर वन, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और आयोटा का क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको लिखें तो 3 का क्यूब कितना होगा, 27। फिर यहाँ पे आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा और 5 का क्यूब -125 आयोटा हो जाएगा ये ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 3 का स्क्वायर 9 * 3, तो 27 * 5 लिखा है ये, तो ये कितना हो जाएगा 135 आयोटा, 27 * 5 ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, ये माइनस होगा, क्यों माइनस आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो एक माइनस आएगा। फिर क्या लिखा है, 3 3 9 * 5 का स्क्वायर यानी 9 * 25, ये हो जाएगा -225। तो देखो अब हम यहाँ पे रियल पार्ट को एक साथ करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ करते हैं, तो रियल पार्ट कितना है -225 प्लस 27, तो 27 माइनस 225 माइनस 198। फिर क्या लिखा है, 135 आयोटा माइनस 125 आयोटा, तो ये हो गया 10 आयोटा। तो ये किसकी वैल्यू निकाली, जेड क्यूब की। अब हम डायरेक्टली इसको निकालते हैं, जेड क्यूब प्लस जेड प्लस 198, तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जेड क्यूब, जेड क्यूब कितना है, जेड क्यूब माइनस 198 प्लस 10 आयोटा प्लस जेड, जेड कितना है आपके पास 3 प्लस 5 आयोटा और प्लस 198। तो ये देखो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, क्लियरली -198 से -198 कैंसिल हुआ, तो क्या बच रहा है यहाँ पे 3 प्लस 15 आयोटा ठीक है ना। ये 3 रियल पार्ट और 5 आयोटा प्लस 10 आयोटा 3 प्लस 15 आयोटा हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारे पास, हमारे पास हो गया डी ऑप्शन।